देश में अब तक करीब 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हालांकि अभी बड़े पैमाने पर लोगों को सेकेंड डोज लगना बाकी है, लेकिन इस बीच खबरें जो आ रही है वो वाकई चिंताजनक है। देश के अलग अलग राज्यों से कोविड के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वजह क्या है, कैसे समाधान निकलेगा और कब तक लोग इस तरह से कोविड के डर के साय के बीच में रहेंगे, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आशीष जायसवाल हैं, आप कोविड एक्सपर्ट हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। नमस्कार डॉक्टर साहब। देश में 4.5% लोग दोबारा कोरोना संक्रमित हुए हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ भी अब लगभग 3,500 केसेस सामने आए हैं। एक चिंता लोगों के मन में है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या हम लोग सबको एक साथ वैक्सीन लगाकर क्यों ना देश को कोविड फ्री बनाए, क्या वाकई सब कुछ इतना आसान है? जी देखिए, आसान तो नहीं है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है। कोई भी फुल वैक्सीनेशन चालू करना एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। बहुत ढेर सारी वैक्सीन इंटू टू चाहिए। मगर सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया है, लोग आजकल पैंडेमिक फटीक में चले गए हैं। मतलब लोग जो पहले जितनी प्रिकॉशंस करते थे वो सारी बंद हो चुकी हैं। जहां जगह देखिए, जहां पे पार्टीज हो रही हैं या जो सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं, जो अननेसेसरी विजिट्स हैं या जितना ही लोग इंटरटेनमेंट में जो आजकल जा रहे हैं, इस कारण से जो ये केसेस हैं ये बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने देखा जब भी जैसे अभी मैच हुआ अहमदाबाद में या होली के बाद या किसी गैदरिंग में, जो जो सुपर स्प्रेडर इवेंट है, जो ये सुपर स्प्रेडर इवेंट है, यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। और हमें ऐसे इवेंट से बचना चाहिए जो हम पुराना हम जो जितनी भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग या हैंड हाइजीन या सोशल एटिकेट्स, फिजिकल डिस्टेंसिंग, इन सबको हमें फिर से करना पड़ेगा। वैक्सीन एक सोल्यूशन है, वैक्सीन कॉम्प्लिकेशन को रोकेगी, मोर्टेलिटी को रोकेगी, मगर फिर से कोरोना आ सकता है। वैक्सीन से ये मत सोचे कि वैक्सीन लगने के बाद हम एकदम ठीक हो जाएंगे। लोगों में अब ये डर खत्म हो गया है, लोगों को लगता है हमें वैक्सीन लग गई है अब हमें कुछ नहीं हो सकता, जो कि ये बात एकदम गलत है। सर एक सवाल ये है कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि अब युद्ध स्तर पर वैक्सीनेट प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, हम एज की जो कंडीशन है वो हटा दें, सबको लगाएं। क्या वाकई इतना आसान है, क्या हम पे इतनी डोजेस है या फिर जो एक साइकिल है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे? आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली को बचाया जा सकता है सबको एक साथ वैक्सीन देकर? देखिए एब्सोल्युटली यस, तरीका यही है, होना यही चाहिए, मगर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इतनी वैक्सीन बनेगी कैसे। जो सिस्टम अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कि पहले हेल्थ केयर या फ्रंटलाइनर्स, उसके बाद 65 और कोमोबिलिटी, अब 45 के अबव, इसी तरीके से सीक्वेंशियल वे में ही कर सकते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से अगर हमने सोचा हम सबको कर देंगे तो हम किसी को नहीं कर पाएंगे, इतना बड़ा केओस हो जाएगा कि पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है वो फेल हो जाएगा। इस तरह सिस्टमैटिक तरीके से ही वैक्सीनेशन कर सकते हैं। चूंकि लेस देन 45 कॉम्प्लिकेशन बहुत कम होती है। जो मेन प्रॉब्लम क्या है हमें कोविड से, कि जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो डेथ्स होती हैं, जो हेल्थ सिस्टम पूरा एकदम चरमरा जाता है, हमें उसको बचाना है सबसे पहले। उसके लिए कोमोबिलिटी 45 प्लस या 65 प्लस वाले जो पेशेंट्स हैं या जो बंदे हैं उनको वैक्सीन लगाना सबसे जरूरी है। वैक्सीन की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, सबको वैक्सीन लगानी है और सबको लगेगी भी, मगर ये एक तरीके से लगेगी, सिस्टमैटिक वे से लगेगी, स्टेप बाय स्टेप लगेगी। आप ये कहना चाह रहे हैं, क्या ये माना जाए कि वैक्सीनेशन का मतलब वायरस का अंत है? अगर हमने वैक्सीन लगवा ली तो हम बिल्कुल फ्री हो जाए, हमें वायरस छू भी नहीं सकता? देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले लोग एक एक साल तक घर में बैठे थे, किसी को कोविड नहीं हुआ, उन्होंने जैसे वैक्सीन लगाई वो बाहर निकलने चले गए और उनको कोविड हो गया। इसका मतलब ये है कि जो डिस्टेंसिंग या जो मास्क है हमें उसको फॉलो करना है। वैक्सीन लगाने से कोरोना ना होने का कम आधा तो हो जाता है, मगर कोरोना तब भी हो सकता है। और अपने को ये भी मानना पड़ेगा वैक्सीन की जो इफिकेसी है वो 70-80% है, यानी 20-30% ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन वाले पेशेंट, उनको भी कोविड बाद में हो सकता है। इसलिए सारी की सारी प्रिकॉशन पूरी फॉलो करनी है और जो हम लोग कर रहे थे पहले तो उसको इसी तरीके से करना है। सर पहले वैक्सीन की एक डोज लगनी थी, फिर दूसरी डोज भी लगनी है, लेकिन ये भी खबर सामने आई है कि एक और डोज लगेगी कुछ महीने बाद। क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या जो एक पूरा डोज सिस्टम है कैसे आपस में कनेक्ट है, आखिर जरूरत क्या है तीसरी डोज की? देखिए जो ये वैक्सीन है जो हम लोग लगा रहे हैं, इसके बाद जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होती है वो 6-9 महीने तक ही रहने वाली है। अभी तक डाटा अभी तक हमने गैदर नहीं किया है, पर ऐसा लग रहा है 6-9 महीने तक की वैक्सीन की एफिकेसी रहने वाली है। यानी 9 महीने के बाद हमारे को उसका इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाएगा। यानी 9 महीने या 1 साल बाद ये वैक्सीन साल में एक बार या साल में 2 बार इस तरीके से करना पड़ेगा। अभी डाटा अवेलेबल नहीं है, थोड़ा रिसर्च की जरूरत है क्योंकि नया वायरस है, नई वैक्सीन है, नए तरीके से दे रहे हैं, इसे थोड़ा इसमें समय लगेगा। बट इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग अपना जो इतना डिस्टेंसिंग है उसको सब फॉलो करें। एक सर कोविड वैक्सीनेशन के बाद कुछ साइड इफेक्ट की खबरें भी सामने आ रही है, क्या जानना चाहेंगे कि
क्या है वो और किस तरह की प्रिकॉशंस इस पूरी वैक्सीनेशन पीरियड के दौरान लेनी चाहिए, क्योंकि अब 45 साल के जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है, एक बड़ा मास लेवल कवर हो रहा है इसमें अब। देखिए सबसे पहले तो जो वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं वो बड़े मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं, माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, जो इंडिया की वैक्सीन से वो इफेक्टिवली सेफ है, उनको कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ कुछ लोग को फीवर आना, जहां पे लगी है साइट पे दिक्कत होना, ये स्वाभाविक सी बात है, जो केवल पैरासिटामोल टैबलेट से ही इंप्रूव हो जाता है, ज्यादा दिक्कत तो पैरासिटामोल टैबलेट लेने ठीक हो जाएंगे। कुछ लोगों में डेथ की भी रिपोर्ट्स आई, उनमें जो उनमें प्री एग्जिस्टिंग इलनेस थी जो कि अनडायग्नोज थी वो हो गया, कुछ लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद कोविड हो गया। तो ये वो लोग है जिनमें कोविड चल ही रहा था, वैक्सीन लगाया, थोड़ा सा सर्दी खांसी फीवर हुआ, हमने टेस्टिंग कराई, वो पॉजिटिव आ गई। ये वैक्सीन से वो पॉजिटिव नहीं हुए, तो वैक्सीन का ये घबराए मत, वैक्सीन सभी लोगों को लगानी है, जिनको कोविड हुआ भी हो उनको भी 8 हफ्ते या 12 हफ्ते बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए। जो लोग कुछ दवाओं पे हैं, ब्लड थिनर्स पे हैं, इकोस्पिन पे हैं, उनको भी वैक्सीन लगवानी है। कुछ एक दो दवाएं जैसे इम्यूनो सप्रेसेंट दवाएं हैं, जो स्टेरॉइड्स हैं या वॉरफेरिन नाम की दवा है, ये जो इन वाले पेशेंट्स को अपनी दवा थोड़ी रोक के या अपने डॉक्टर से संभल के डिस्कस करके ही वैक्सीन लगानी चाहिए। वैक्सीन सबको लगानी है, साइड इफेक्ट नहीं ना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप वैक्सीन लगाएं, जब आप वापस घर जाएं, तो अल्कोहल का या स्मोकिंग का सेवन कम करें, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि किसके कारण हो रहा है ये। फिर आप थोड़ा ठंडा खट्टा थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा लाइट एक्सरसाइज करें, बहुत ज्यादा भागे नहीं, बहुत ज्यादा अपने को एक्सर्ट मत करें, क्योंकि बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स पीक पे होता है, तो उससे कुछ लोगों को ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जो ये 3-4 बातें हैं, इन चीजों को अपने को ध्यान रखना है, जो कि हम वैसे भी रखते हैं, इससे ये बहुत सेफ हो सकता है और आगे चल के कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। जी बिल्कुल, आपने बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी क्या करना चाहिए। सर क्या जो कोविड आर्म्स है उसको ध्यान में रखते हुए हमें जिम भी अवॉइड करना चाहिए कुछ दिनों के लिए, अगर हम वैक्सीन ले लेते हैं उसके बाद? देखिए यूजुअली अवॉइड करना चाहिए, कम से कम 3-5 दिन कोई भी एक्सटर्नल एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे जो इन्फ्लेमेशन है उसको सर्ज मिल सकती है। तो हम लोग तो यही बोल रहे हैं 3-5 दिन हाई एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म की हो उसको अवॉइड करें। देखिए वैक्सीन कोई वायरस नहीं ना, वैक्सीन से हम लोग को वायरस नहीं हो जाएगा। जिनको कोविड नहीं है, इस समय उन्होंने वैक्सीन लगाया, उनको उससे वायरस नहीं होगा, ये तो प्री एग्जिस्टिंग है जिनको बाद में कोविड हुआ है। तो घबराए मत, सब लोग वैक्सीन लगाएं, वैक्सीन ही इसका टर्मिनेशन है, वैक्सीन से ही ये वायरस जाने वाला है, अदरवाइज इसका कोई इलाज अभी तो नहीं है। जी प्रसाद, आपने ये बताया कि वैक्सीन लगवाने के बाद क्या करना चाहिए, वैक्सीन लगाने से पहले जिन लोगों को छोटी मोटी बीमारियां हैं क्या उनको भी कुछ टिप्स देने चाहिए अपने डॉक्टर से, खासतौर पर जिनको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, रीनल इलनेस जैसी समस्याएं हैं? देखिए कोई भी जो बीमारी है वो तो कोमॉर्बिड में आते हैं, उनको तो और जल्दी वैक्सीन लगाना है। जिनको इम्यूनो डिफिशियंसी जैसी प्रॉब्लम्स है उनको तो वैक्सीन जल्दी लगाना है, क्योंकि उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन और मोर्टेलिटी का रेट ज्यादा होता है। बट कुछ लोग ऐसी दवाएं हैं, जैसे जो कुछ लोग स्टेरॉइड खा रहे हैं हाई डोज पे, उस हाई डोज को पहले लो डोज पे करना पड़ेगा, या कोई इम्यूनो सप्रेसेंट या जो कैंसर की मेडिकेशन खा रहे हैं वो पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करके थोड़ी डोज मॉड्यूलेट करके या 6 हफ्ते या 2 हफ्ते रुकने के बाद लगवा सकते हैं। वैक्सीन लगाने में किसी भी दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं ना, केवल एक प्रॉब्लम है जिनको पहली बार वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हुआ है, जिसके कारण उनको अस्पताल में एडमिट होने पर लग गया है, वो वैक्सीन लगवाते समय सेकेंड डोज अपना ध्यान रखें और लगाने से पहले अपने डॉक्टर से पूछ के ही सेकेंड डोज लगवाएं। सर एक आखिरी सवाल है दिल्ली को लेकर, दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली सरकार कह रही है कि जो चौथी लहर है कोविड की वो बहुत खतरनाक नहीं है, तो क्या बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है हम लोगों को? देखिए जो ये नया वायरस, जो भी नया स्ट्रेन आए हैं, 751 स्ट्रेन की स्टडी अभी हमारे जीनोमिक्स ने बता दिया है, जो ये सारे के सारे वायरस है इनमें अभी तो वैक्सीन काम कर रही है। साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के लिए अभी कुछ कह नहीं रहे क्योंकि भी रिसर्च बाकी है, बाकी सभी वेरिएंट पे वैक्सीन काम कर रही है। जो ये नया वायरस है ये बच्चों को ज्यादा इन्वॉल्व कर रहा है और ये बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, मतलब फटाक से लोगों को इन्वॉल्व कर लेता है, तो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी तो बढ़ गई है, मगर इसकी जो मारक क्षमता है, मोर्टेलिटी कॉम्प्लिकेशन बहुत कम है। आप देख रहे हैं केसेस, पिछली बार जब 87,000 के आसपास केस हो गए तो डेथ बहुत हो रही थी, अब की बार डेथ नहीं हो रही है क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहा है, मोर्टेलिटी नहीं ना, फैटेलिटी कम है, मगर हाँ आपको ये नहीं पता है कब म्यूटेशन ले ले, कब ध्यान दे दे, इसलिए हमारी जितनी भी सेफ्टी है वो हमारे हाथों में, हमारे मास्क में, उसका यूज जरूर करें। बिल्कुल, कोविड नियमों का पालन करें तभी आप सुरक्षित भी रहेंगे और दूसरे को सुरक्षित भी रखेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, आपने तमाम जानकारी दी और बताया कि कैसे अपना ख्याल रखना है, जिसके माध्यम से हम ना सिर्फ अपना ख्याल रखेंगे बल्कि अपने साथ जो दूसरे लोग हैं उनको भी बचा सकेंगे। धन्यवाद बातचीत के लिए। थैंक यू।